गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ में मैंने कल कॉमिक पोर्शन जो है वो आपको समझाया था पूरा, और कॉमिक पोर्शन का हाइपोमीनिया और मिस्ट्री टू सॉल्व करने के लिए आपको दिया था मैंने। नाउ वी कम टू वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, वो है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट के बारे में जिस तरीके से इन्होंने बताया है मुझे वो बहुत अच्छा तरीका लग रहा है, तो हम इन्हीं के हिसाब से पढ़ते हैं। पहले ये जो चार एलियंस हैं उनकी जो बातचीत है, जो उनकी कन्वर्सेशन है, उसको समझिए। एफडेक, बी डिडंट अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट, कैन यू हेल्प अस, मुझे ये स्टेटमेंट जो है समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा, क्या मुझे बता सकते हो, कुछ मुझे हेल्प कर सकते हो। यस बस बट फर्स्ट टेल मी व्हाट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज। देखो, हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, लेकिन इन्होंने कहा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4 जो नंबर्स हैं उनको प्लस करते हैं तो कैसे करते हैं, उनको माइनस करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, इस सब को हम सीखते हैं ना। चलो इनकी ये बात जरा सुन लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाई मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाई मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि नंबर्स का वो ग्रुप जो सेपरेट किया जाता है बाई मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, वो चार ही ऑपरेशन होते हैं, हमारे ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस, जो साइन होते हैं ऑपरेटर ऑपरेशन के साइन होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इनको शो करके इनसे ग्रुप ऑफ नंबर बनाते हैं जिसको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब नाउ लास्ट वाला एलियन क्या कह रहा है, गुड लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो देखें आप, यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन समझ जाएंगे तो हमें अरिथमेटिक के अलावा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे द सम ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 को सम करें तो स्टेटमेंट क्या होगा, 4 बीच में प्लस लग जाएगा प्लस 9, यही हो गया ना। ऐसे ही द प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 4, इसका मतलब है दोनों को प्रोडक्ट करके रखना है, दोनों नंबर्स रख दिए, बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा दिया, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। फिर 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, ठीक है, 6 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 12 में से, तो 12 माइनस 6 हो गया। इन द सेम मैनर द सम ऑफ 3 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, सम करो 3 और 5 को एंड देन मल्टीप्लाइड द सम विद बाई 7, तो 3 और 5 को प्लस किया, उसको ब्रैकेट में कर दिया। ब्रैकेट में करने का मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों नंबर्स में हो रहा है, या इसका एक और मतलब है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर जो आएगा आंसर उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है, ये सब अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, आप एक गेम भी खेल सकते हैं, ये एक्शन जोन में गेम भी दिया हुआ है कि आप 4 या 5 बच्चे एक साथ, स्टूडेंट साथ में बैठ सकते हैं, आप कहीं से भी कोई भी बच्चे जो हैं वो 4 या 5 एक ग्रुप में बैठ जाएं, और उनमें से एक बच्चा, एक स्टूडेंट इस तरह के स्टेटमेंट बोलेगा, जैसे इसमें बोला है द सम ऑफ 4 एंड 5 9, या बोलेगा कोई द सम ऑफ 3 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, इस तरह के अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देगा, और दूसरे जो होंगे वो उसको लिखेंगे, उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पर लिखेंगे, यानी जो उसने बोला उसको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में विद ऑपरेशन। ठीक है, उनके ऑपरेटर्स लगा के उस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखना है, और जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लिखेगा वही विनर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके नीचे एक्टिविटी दी हुई है, आप करके देख सकते हैं घर पर, और होपफुली जल्दी हम भी मिलेंगे क्लासेस में, कोशिश ये हो रही है कि जल्दी से जल्दी मिलें, तो अगर हम क्लासेस में मिलेंगे तो हम ये एक्टिविटी करके देखेंगे। ओके, तो अब आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बहुत सिंपल होते हैं, तो ये करने हैं। अब देखो, राइट द फॉर, अभी प्रैक्टिस जोन 1 आ गया, प्रैक्टिस जोन 1 में आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एज ए स्टेटमेंट।
उल्टा करना है जो आपने पहले किया था उसका जस्ट अपोजिट, कि आपको दे दिया 7 प्लस 4 को आपको लिखना है, 7 प्लस 4 को स्टेटमेंट में बदलना है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिखेंगे, द सम ऑफ 7 एंड 4, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। या इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दो, व्हेन 7 इज एडेड टू 4। बताओ, आप ये दोनों टाइप से लिख सकते हो ना इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है कि हमें 7 और 4 को ऐड करना है, हमें 7 और 4 को ऐड करना है। तो इसी तरह से दूसरा और एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसे करेंगे, ठीक है, आप उसे करके और फिर ये प्रैक्टिस जोन तक कंप्लीट कर लीजिए। बाकी फिर मैं अगली प्रैक्टिस जोन आपको पूरा डिटेल में आगे बता के फिर नेक्स्ट अगली प्रैक्टिस जोन में करवाऊंगा, ठीक है। तो आज आप इतना ही करेंगे, आप ये प्रैक्टिस जोन करेंगे और इसके साथ साथ आप वर्क बुक भी करेंगे। मैंने बताया था साथ साथ आप वर्क बुक के क्वेश्चंस करते जाओ, जो क्वेश्चंस ये वाला हमने प्रैक्टिस जोन वन में जो कुछ आपको बताया है उसके उससे रिलेटेड अगर हैं तो आप क्या करोगे, उनको कर लोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना तो मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। लेकिन आप जितना मैं करवा दूँ उतना वर्कबुक में आप करके रखोगे, आप ये नहीं करोगे कि नहीं सर हम अभी नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे, क्योंकि वर्कबुक को पैरेलल चलाना है, हमें कोर्स भी कराना है, हम बहुत स्लो नहीं चल सकते, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें एक साथ करो, वर्कबुक के क्वेश्चंस भी करो और उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी करते जाओ, उन प्रॉब्लम्स को भी करते जाओ, वर्कबुक की प्रॉब्लम्स करते जाओ, इसको भी करते जाओ, और जो प्रॉब्लम्स आए जिसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो वर्कबुक की प्रॉब्लम हो चाहे मेन बुक की हो उसको उस पर व्हाट्सएप पर भी डालते जाओ अगर सॉल्व नहीं हो रही है। और उसमें एक तरीका और भी है कि आप सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं उसमें, वो ये कि ग्रुप के अंदर अगर एक बंदा प्रॉब्लम डालता है, ठीक है, सपोज नुजहत एक प्रॉब्लम डालती है और किसी और को ये पता है कि ये प्रॉब्लम कैसे होगी तो उसका सलूशन वो भी ग्रुप पे डाल सकता है और मैं उसे वेरीफाई कर लूँगा कि ये आपने सही किया या गलत, समझ रहे हो। उससे क्या होगा कि उससे आप एक दूसरे से भी इंटरेक्ट कर सकते हो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसका अगर कोई प्रॉब्लम कोई डालता है, नुजहत को छोड़ के और भी कोई डालता है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई दूसरा जिसको वो आता हो जिस स्टूडेंट को, वो उसका सोल्यूशन भी सेंड कर सकता है, वेरीफाई मैं उसे कर दूंगा कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, ओके। तो आप इतना कर लें आज, फिर बाद में बात करते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन कराएंगे।